ये तुमने बहुत गलत किया भाभी, बहुत गलत किया। ये लड़का अपनी सरस्वती के लिए सही नहीं है। ये लीजिए, ये रहा आपका सामान। आंटी जी, जो कुछ भी हो उसमें आपकी गलती नहीं थी। अतुल बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा जीनत को छोड़कर, मेरा रेहाना बेटा को छोड़कर मैं कहीं दूर चला जाएगा। मैं दूर चला आया, बहुत दूर, मगर मेरा जीनत, मेरा रेहाना, मेरा दिल का पास रहता। मेरा भगवान को हमेशा बोलता हूं, दोनों को अच्छे से रखना, खुश रखना। हम सब एक परिवार होना, एक साथ रहना। आंटी जी, मैं जानता हूं कि आपके दिल में अम्मा के खिलाफ कोई जहर नहीं है, लेकिन अब मुझे आपका ख्याल रखना है। आप और सरस्वती अब मेरी जिम्मेदारी है। आप आराम कीजिए, बैठिए और रोइएगा मत। अतुल इधर आ, मेरे पास बैठ। मेरे को मालूम तुम मेरा सरस्वती का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। हर माँ को तुम्हारा जैसा जवाई होना मांगता। नहीं, बेटा होना मांगता। तुम मेरे को आंटी मत बोलना, माँ बोलना। बस माँ जी, रोएगा मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या सोच रही हो जीनत बहन? तुम्हारा बदला हुआ रूप देख के हैरत हो रही है। मैं सच्चे दिल से आई हूँ, मैं पुराने सारे गिले शिकवे भुला देना चाहती हूँ। बोलो जो बोलने आई हो, क्या चाहिए तुमको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें देने आई हूँ मेरी बेटी गजाला। तुम उसे इस घर में बहू बना के रखो। तुम्हारा मुंह बोला बेटा फैजल, जिधर से आई हो ना उधर से वापस चली जाओ, और आगे से इस रिश्ते की बात अपने जबान पे लाने की जरूरत भी नहीं करना। वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं जीनत बहन। फैजल गजाला को बहुत प्यार करता है। परसों पहले तू मेरे सौहर को मेरे से छीनना चाहती थी, आज मेरे बेटे को छीनने आई है। अपने गिरेबान में झांक के देखो अम्मा, परवेश साहब तुमसे खुश नहीं थे, और ये तुम भी जानती हो, इसीलिए मुझे संभालना पड़ा। ए! बदसात औरत, निकल जाए इधर से। महबूब, धक्के मार के निकाल दो इसको यहां से। फैजल भाई, बात बोल रहे हो? फैजल भाई, ए दारी क्या हुआ बोल। फैजल भाई वो हाँ बोल, क्या हुआ भाई? वो गजाला मर गई।
और रिहाना। अच्छा हुआ नहीं तो रिहाना ही उसको मार डालती। भाई वही चपुन बोल रहा है कि रिहाना ने गजाला को मार दिया है। ए, साली चढ़ गई लिया तेरे को, क्या वो सच में मर गई? भाई सही सही बता। भाई वही चपुन बोल रहा है कि रिहाना ने गजाला को गोली मार दी जो थाने में बंद है। किधर जा रहे? किधर है? आप उनकी रिहाना, आप उन रिहाना से मिलने गए? आप उससे नहीं मिल सकते। अरे यार तारीख समझा रहे इसको। हाँ हाँ अपन को अंदर जाने का है मामू। दोना अरे मामू देख अपन को अपनी रिहाना से मिलने का है, समझे? आखिरी बार बोल रहा है। कोई नहीं मिल सकता रिहाना से। आई भी नहीं और तेरी दादागिरी शुरू हो गई। अगली बार मेरे रिहाना का हाथ पकड़ा तो यह हाथ किसी और को पकड़ने के लायक नहीं बचेगी। क्यों नहीं मिल सकता अपन रिहाना से? क्योंकि रिहाना से मिलने की इजाजत किसी को नहीं। अच्छा और अपन को रोकेगा कौन? मैं रोकूंगा, कानून रोकेगा। रिहाना से मिलने की इजाजत किसी को नहीं। और तू फैसल, तू कानून से बड़ा नहीं है। तू और तेरा कानून कितना भी कोशिश करे अपन को रिहाना से मिलने से रोक नहीं सकता। अपन अपनी रिहाना को यहां से निकाल के ही चलेगा, समझे? अरे नादान, फिक्र तो उसे करनी पड़ेगी इस बॉम्बे को बचाने के लिए, और इस शहर को बचाने के लिए उसे अपनी जान भी खतरे में डालनी पड़ेगी। जीना तम्मा, हाय हाय, हाय हाय, जीना तम्मा, हाय हाय। जीनत बेन की जान को खतरा होने वाला है। अम्मा के दुश्मन की बहुत लंबी फहरिस्त ना, उसमें दो नाम अपने भी जोड़ दो। उसकी जान को खतरा नहीं है, खतरा बंबई शहर को है। वो भी समंदर के रास्ते, और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हमने बाहर के मुल्कों से कुछ लोगों को भी बुलाया है, और सब मिलके इस अम्मा के नाम को जड़ से हिला देंगे। अब वक्त आ गया है कि अम्मा के सिंहासन को जड़ से उखाड़ के फेंकने का। सब तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक को काटूंगी और सब कट जाएंगे। तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी का खून किया है। रेहाना इस वक्त जेल में है। तुम अपनी ताकत का फायदा उठाकर उसे छुड़वा लोगी ना? अगर रेहाना ने खून किया है तो उसे सजा मिलेगी। रिहाना।